आज मैं आपको आपकी जिंदगी बदल के रख दे एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी सुनकर आपके जीने का नया अंदाज मिल जाएगा। चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी था, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता था, पर वो कोई गलती नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने आंगन में आराम से झूले पर बैठकर अपनी नोट में अपनी खामियां और अपनी खूबियां लिख रहा था। तब वहां से एक महात्मा गुजरे और उसने वो दृश्य देखा। वो महात्मा उस आदमी के पास आए और उसे पूछा कि तुम इतनी गहराई से क्या सोच के क्या कर रहे हो। तब आदमी ने जवाब दिया, गुरुदेव मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं शुरुआत से ही कोई छोटी से छोटी गलती भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी खामियां और अपनी खूबियां लिख रहा हूँ। इस वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ और क्या मेरी कमजोरी है। महात्मा ने बताया कि तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, पर क्या मैं तुमको एक सवाल पूछ सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, हाँ जरूर पूछिए। महात्मा ने पूछा कि एक माचिस को तीली को अगर जलाना है तो उसे कितनी देर तक घिसना पड़ता है। उस आदमी ने तुरंत ही जवाब दिया कि उसमें बहुत थोड़ा सा ही समय लगता है। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा, और कि तुम ये भी जानते हो कि उस तीली से अगर एक लकड़ी को जलाना है तो देर लगेगी, अगर एक कागज को जलाना है तो आसानी से जल जाएगा, पर अगर पेट्रोल पे तुम वो जलती हुई तीली डालोगे तो ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था, उसकी सक्सेस स्टोरी के लिए एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा हुआ था। काफ़ी सारे लोग उससे इंस्पायर्ड थे, इसलिए वो सब उसे मिलने के लिए और उसकी सक्सेस स्टोरी का राज जानने के लिए आए थे। पूरा हॉल आदमियों से भरा हुआ था। वो बिजनेसमैन 2 घंटे लेट आया और फिर उसने 2 घंटे अपने फैंस के साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने में लगा दिए जो उसकी कहानी सुनने आए थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो लोग सब आम आदमी थे और सामने बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। आखिरकार वो स्टेज पे आया और उसने माइक लेकर सिर्फ इतना ही बोला कि 3 साल पहले मैं भी आपकी तरह सामने बैठा था और आज स्टेज पर हूँ। इतना बोलकर वो चला गया। वहाँ पे जितने भी लोग थे उसको इतना गुस्सा आया, मगर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वो आम आदमी थे। मगर उन सब में से एक ऐसा बंदा था जिसके अंदर की ज्वाला जल उठी और वो 2 महीने में सक्सेस की सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगा और 2 महीने में भी वो सक्सेसफुल हो गया। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात से बहुत कुछ समझ गए होगे। बाकी माचिस की तीली को अपना काम करती ही है, पर ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे जलना है। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सफलता हर किसी को नहीं मिलती है, ये तो उनकी गुलाम है जो अपने भाग्य को अपनी चोटी में बांध कर जीते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।